हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उर्मिला है और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है मेरे दूसरे फ्रेंड का बर्थडे। काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था तो सोचा चलो आज उसको भी हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो क्यों ना वो ब्लॉग भी शूट किया जाए। तो मैं जा रही हूँ मेरे पुराने फ्लैट के यहाँ पे, जहाँ पे सोसाइटी में, पुरानी सोसाइटी में जहाँ पे मेरी ये सारी फ्रेंड्स रहती है, क्योंकि मैंने फ़्लैट चेंज कर दिया है तो मुझे वहाँ पे रिक्शा से जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है। तो जाते जाते ही मैंने सोचा क्यों ना कुछ मिठाई, ढोकला, कुछ स्नैक्स लेके चले कि साथ में पार्टी भी हो जाए और सरप्राइज़ का सरप्राइज़ भी हो जाए और केक कटिंग भी हो जाए। मैं आ गई हूँ रसरंग, रसरंग से ले लिया मैंने मिठाई और अब मिठाई लेके हम गए उसके घर। ये पहुंच गया उसके घर, शूट करना रह गया था उसका सरप्राइज़ वाला चेहरा। सॉरी, यहाँ पे उसका उसके बेटे छोटे बेटे को एकेडमी जाना था, क्रिकेट एकेडमी। तो हम उसे वही छेड़ रहे थे कि क्या प्रेगनेंसी में तेंदुलकर को ज़्यादा दिख रही थी क्या, जो वो इतना माँ के बर्थडे के दिन भी बोल रहा है कि उसे क्रिकेट खेलने ही जाना है प्रैक्टिस के लिए। छोटा बेटा इतना गुस्से में था कि वो केक कटिंग के लिए भी आना नहीं चाहता था, ना केक खाने के लिए आना चाहता था, तो उसे बस क्रिकेट खेलने जाना था जिसके लिए वो रो रहा था। चलो अब सब हो गया, अभी थोड़ा फोटोशूट, वो तो पार्टी में बनता ही है। तो यहाँ पे हम सब उसके साथ में, बॉडी गर्ल के साथ में केक कटिंग के बाद फोटोशूट कर रहे थे, थोड़ा सा वीडियो लिया और बाकी फिर फोटोशूटिंग चालू वन बाय वन। चलो ये यहाँ पे चाय बहुत अच्छी बनी थी, चाय क्या बताऊँ, लेकिन यहाँ पे चाय का टाइम था और चाय के साथ में कुछ गप्पे हो रहे थे, क्योंकि एक ख़ास बात है जो अभी नहीं मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, चाय पे चर्चा। चाय बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ बस अगला प्लान चल रहा था कि अगली पार्टी कहाँ करेंगे, तो बस यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती है, हम तो ख्यालों में गोवा, बैंकॉक, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम पार्टी की बात कर रहे थे कि हाँ चलो पार्टी में हम लोग नाइट में इधर चले, उधर चले, उधर चले, बस बातें होती है, जाना होता है नहीं होता है वो तो अगले व्लॉग में पता चलेगा। बहुत बोल रही थी, बोल ना, बोलो कि तुरंत शुरू हो जाएगी, बोल बोल बोल, नहीं बोलना है, सब रिकॉर्ड रहेगा। अरे ये मुझे बर्गर दो ना, बर्गर है कितना यम्मी बर्गर है, कुछ चालू है। अरे
ये हमारी पार्टी का शो स्टॉपर है, इसका नाम है वायु। ये वायु की तरह, ये हनुमान जी की तरह बहुत 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 परेशान करता है अपनी मम्मी को, इतना यानी सोच ही नहीं सकते। और यहाँ पे भी वो वही कर रहा था। चलो फोटो शूटिंग फिर से स्टार्ट। वन बाय वन हम सब एक उसके साथ खड़े होके फोटो खींचवा रहे थे। यहाँ पे इनको धूम पिक्चर की याद आ रही थी, इसलिए इन्होंने बोला कि चलो हमारा शूट करो, हम धूम की तरह स्कूटी निकाल के आगे जाएंगे। और ये जा रहे हैं सब दूसरी बिल्डिंग की तरफ, अपनी अपनी बिल्डिंग, अपने अपने घरों की तरफ। आप देखो ये वायु कैसे रोने लगेगा, जैसे उसकी मम्मी उसको छोड़ के ही जा रही है। लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनालिटी हमेशा ओए होए रखनी चाहिए।